नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं वीकेबी न्यूज़ की एक खास पेशकश जिसका नाम है नागपुर की नौ देवियाँ। और इस खास अवसर पर हम मिलने आए हैं कीर्तिदा अजमेरा से, जिन्होंने नेचुरोपैथी इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। और बिना वक्त ज़ाया किए हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं। तो कीर्तिदा, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में आने के लिए, हमें अपना इस कीमती वक्त देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं आपके इस ढेर सारे जो आपने अपने ज़िंदगी में अपने करियर के ऊपर जो काम किया है उसके उपलक्ष्य में, आप हमें बताइए। सबसे पहले तो नवरात्रि की सबको और आपको और आपके चैनल के थ्रू सभी नगरवासियों को शुभकामना देना चाहूँगी कि देवी माँ आपको स्वस्थ रखे, आरोग्य से और सुख संपदा से। आपने पूछा कि करियर या फिर मैंने क्या किया, कैसे शुरुआत किया। मैं बहुत साधारण सी महिला हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा में मेरा शुरुआत से रुझान रहा, तो धीरे धीरे काम करते हुए मैं इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा दिल्ली का एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो करीब 36 स्टेट में काम करता है, 3 कंट्री में काम करता है, और उसकी में धीरे धीरे काम करते हुए आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और नेचुरोपैथी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि हर महिला या कोई भी व्यक्ति हो, हेल्थ के लिए इतना जागरूक है कि ये सब्जेक्ट आता है तो कब एक घंटा निकल जाता हमें पता नहीं चलता। और वो भी आज की ऐसे पैंडेमिक की सिचुएशन है कि जिसमें विदाउट एनी ओरल मेडिसिन कैसे हम लोग स्वस्थ रहे, तो ये एक सब्जेक्ट मुझे पसंद है, उसमें मैं काम करती हूँ और उसी के माध्यम से मैं राजनीति में भी थोड़ा आई। ओके, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि नेचुरोपैथी में एक्चुअली आप डील किस चीज़ से करते हैं। कई बार क्या होता है, लोग पूछते हैं नेचुरोपैथी यानी क्या। क्या बिल्कुल, तो नेचुरोपैथी में एक अपने आप उसमें एक शब्द छुपा है, नेचर, यानी विद द हेल्प ऑफ द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर हमें अपनी हेल्थ को ठीक रखना। बिल्कुल, तो जो 5 एलिमेंट्स है उसके द्वारा हमारा शरीर भी बना है और उसी 5 एलिमेंट से प्रकृति बनी है। क्या आप हमें वो 5 एलिमेंट्स? हाँ, तो 5 एलिमेंट में कैसा रहता है कि अग्नि रहती है, पृथ्वी रहती है, वायु रहता है, जल रहता है, आकाश रहता है, तो इसी 5 एलिमेंट्स के द्वारा हम लोग, हमारा शरीर बना है। बिल्कुल, बोलते हैं ना कि मिट्टी से शरीर बना और मिट्टी में मिल जाना। और ऊपर वाले ने कुछ ऐसे खूबी से सब चीज़ों का एक संचालन करता है, तो कई बार तो हम लोग सोच में भी पड़ जाते हैं कि हम लोग मंगल तक गए, पूरे इतनी बड़ी बड़ी खोजें करी, तो क्या एक खोज कोई भी साइंटिस्ट कर पाया कि ब्लड खुद बना पाया? नहीं। तो ब्लड यदि हमें होना है तो हमें किस पे डिपेंड रहना पड़ता है? किसी और व्यक्ति के शरीर के ब्लड से। तो यदि हम लोग यही सब बहुत अभिमान करते हैं, पर ऊपर वाले ने एक स्टिक अपने हाथ में रखी है, नहीं सब कुछ कर लो पर एक स्टेक मेरे हाथ में रहेगी कि जहाँ मैंने आपको जन्म देकर भेजा है, अब मेरे पास जब आप आओगे तो आप वही स्वस्थ शरीर लेके आओ, ना कि बहुत बीमारी से घिरने के बाद में मेरे पास आओ। तो यदि 5 प्रकृति के एलिमेंट्स का यदि हम नियम से पालन करें तो मुझे नहीं लगता है कि कभी कोई बीमारी हमें छू पाएगी। आपने बताया कि आप MSME में बहुत सारे छोटे छोटे उद्योगों को सहारा देते हैं, खासकर महिलाओं को, उसके बारे में हमें बताइए। अब हेल्थ और उद्योग ये दोनों मेरे फेवरेट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, बहुत ही फेवरेट है। तो जो राजनीति में क्या होता है कि बहुत सारी महिलाओं से पाला पड़ता है, बहुत सारी महिलाओं से पहचान होती है, तो सबका एक क्वेश्चन होता है कि हमें कुछ उद्योग होना, हमें कुछ रोजी रोटी होना, हमें कुछ कमाने के अवसर होना। हेल्थ तो होना ही है, उसके तो हम लोग करते ही है प्रोग्राम, पर ये उद्योग लगा के देना। तो MSME में एज अ कोऑर्डिनेटर में काम करती हूँ, तो जैसे कोई महिलाओं को, मान लो एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आज ही हमने 3 अगरबत्ती के मशीनों का उद्घाटन कराया, एक महिला मंजरी भावे करके एक महिला है, तो गडकरी जी के हाथों उनका उद्घाटन कराया।
तो ये उसे लोन लगती है, तो एक मशीन करीब 80,000-1,00,000 का आता है, तो वो लोन MSME से पास कराना, उसे अवेलेबल कराना। बाद में क्वेश्चन ये भी आता है कि मार्केटिंग का कैसा करेंगे, बनाने के लिए तो सभी लोग बना लेंगे, तो हम लोग उसमें भी मदद करते हैं कि बाय एंड बैक पॉलिसी के तहत वो महिला को सामान खरीदो बेच दो, तो ऐसी भी 3-4 साल का हम लोग एग्रीमेंट करा देते हैं, हमारी ओर से जितनी मदद होती है उतनी करते हैं, पर नॉट नेसेसरी कि सब महिला को लोन होना। अब कई महिला बोलती है कि नहीं हमें काम करना है पर हमारी सुविधा के अनुसार करना है, हमें लोन का बोझ नहीं होना और हमें छोटा मोटा उद्योग करना है, बहुत बड़ा नहीं करना है। तो उसके भी हम लोग 2,500 से लेकर 15,000 तक के छोटे 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 ऐसे 20 प्रोजेक्ट मैंने निकाल के रखी है। अब जैसे किशमिस बनाना, तो घर में अंगूर 1 किलो अंगूर ला लो और उसमें करीब 400 ग्राम या आधा किलो का किशमिश बन जाता है, वो एक प्रोसेस रहती है। यदि प्रोसेस हाथ से करते हैं तो करीब 15 दिन लगते हैं, मशीन में करे तो आधा घंटा लगता है। तो ये चीज़ें हम लोग सिखाते हैं कि कैसे बनाना। अब कोई महिला बोलती है हमारी ताकत 2,500 रुपये खर्च करने की है, 5,000 रुपया खर्च करने की है, हम उन्हें उस लायक प्रोजेक्ट बताते हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं कप्स बहुत अच्छे रहते हैं, तो उसके की बात कर रहे क्या? नहीं नहीं नहीं, ये चीनी मिट्टी के कप रहते हैं ना, मग जैसे, तो उस पर प्रिंटिंग बहुत अच्छी होती है, विद इन एक दो मिनट में प्रिंट हो जाता है काफी आर्टिफिशियल। उसमें भी आपको अभी मैं वीडियो फोटोग्राफ्स भी दिखा दूंगी बाद में। तो ऐसे मान लो किसी को प्रेजेंट देना है, तो घर में हमारा खर्चा 20 से 25 रुपया होता है, बाहर लेने जाओ तो 150 रुपया होता है, तो वहाँ भी महिलाएं बचत कर सकती है। अब 800 रुपये में दिया बत्ती बनाने के अलग अलग वो रहते, तो जो महिला की ताकत कैसी है, उसको कैसा मार्केटिंग जमेगा, उस हिसाब से हम लोग उनको प्रोजेक्ट सजेस्ट करते हैं, सिखाते हैं, मशीन कहाँ से मिलेगा उसका नॉलेज देते हैं, और मार्केटिंग में भी कहाँ तक हम लोग मदद कर सकते हैं वो भी उनको हम सिखाते हैं, और इसके थ्रू फिर वो अपना बिजनेस और आगे बढ़ा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। आज आप भी जानते हो कि एक के भरोसे परिवार नहीं निपटता है, इसमें तो कोई भी काल रहा, कोरोना काल रहा या कुछ भी रहा, कहीं ना कहीं घर में 2 या 3 हाथ कमाने वाले लगते हैं। एजुकेशन देखो, बच्चों का देखो, तो ये सब चीज़ों में है ना, कहीं ना कहीं एक जागरूकता आ गई है कि नहीं, एक व्यक्ति के भरोसे परिवार नहीं चलता है। तो महिलाएं अपने इंटरेस्ट के लिए भी करते हैं और अपनी एक रहती है डिमांड रहती है कि नहीं परिवार चलाने के लिए हमें होना है। बच्चों को आज आप मानोगे, गरीब से गरीब घर में माँ बाप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, और मैं तो कई बार शॉक हो जाती हूँ कि उनके बच्चे कितना अच्छा पढ़ाई करते हैं, तो वो भी कमा कर कैसे भी करके हम कम खाएंगे पर हमारे बच्चों को एजुकेशन देंगे। तो ये एक उद्योग, एक महिला की हॉबी ना बनते हुए एक डिमांड बन गई। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। डिमांड बन गई आज के टाइम पे कि एक वर्किंग वुमन, एक मेन के साथ। आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगी कि मैंने एक भाई को साड़ी फोल बनाने कराते सिखाया था। ओके। तो साड़ी फोल कराते कराते फिर मैंने उसे मदद करी कि एक साड़ी की दुकान में पहचान करा दी। हाँ। कि भाई उससे ज्यादा बिजनेस मिले, उसे आज की डेट में इतना बिजनेस मिल रहा है कि वो 12 लेडीज को काम दे रही है। वाओ।
तो मतलब इसी के एक आइडिया से उसकी हेल्प हो गई और उसकी जिंदगी बन गई। कोरोना के टाइम पे आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किताब जीता था इस चीज़ के लिए कि आरोग्य सेतु ऐप आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के माध्यम से मतलब डाउनलोड करवाया था, तो वो चीज़ आपने कैसे डील किया था? हर इंसान को आपने, हर व्यक्ति को आपने उस तक पहुंचकर उसे कैसे मनाया उस चीज़ के लिए कि ये आपके लिए कितना ज़रूरी ज़रूरतमंद साबित होता है? उसके लिए मुझे 2 दिन का टाइम दिया गया था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जिनकी ओर से था, हैदराबाद की कंपनी, वहाँ से। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए 2 दिन सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक का टाइम दिया गया था, तो 2 दिन का टाइम दिया था। तो अब हमारा एरिया कैसा है कि एक फ्लैट में चले जाओ तो आपको कम से कम अब मेरे ही फ्लैट में 33 फ्लैट है, मेरी सोसाइटी में 33 फ्लैट, हर फ्लैट में 8-10 मोबाइल मिलते हैं। ओके, यानी आज एक वो छोटा बच्चा है ना, उसके पास भी मोबाइल रहता है। क्योंकि तो हमारा एक क्या था कि हर मोबाइल पे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराना, बिल्कुल, और वो डाउनलोड कराना, उनको बताना। वो सुबह से लेके शाम तक ऐसे 2 दिन मैंने किया, तो उनके रिकॉर्ड में मेरा शायद आंकड़ा अच्छा हो गया, तो मुझे उन्होंने अनाउंस कर दिया एज आरोग्य सेतु। और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री आरोग्य सेतु ऐप बहुत लाइक करते, उसकी इन्फॉर्मेशन देखो, उसकी टेक्नोलॉजी देखो। आज आपको कोविड का इंजेक्शन लेना है तो उस पर ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो जहाँ तक आरोग्य सेतु आप डाउनलोड नहीं करोगे तो आप रजिस्टर कैसे करोगे वैक्सीन लेना है तो? तो ये सभी चीज़ें अवेयरनेस करने के लिए मुझे एक अच्छा एक मौका मिला। उस द्वारा हमने करीब 17,000 मास्क बनवाए हम महिलाओं ने, और वो मास्क हमने सभी गरीबों में, जो बस्तियों में हमने डिस्ट्रीब्यूट किए कि नहीं। अच्छा, उसमें मेरा अकेले का योगदान नहीं था। जहाँ बात करती हो सामने से कपड़ा आ जाता, सामने से इलास्टिक आ जाता, सामने से महिला बोलती मैं सिलाई जानती हूँ, और सामने से वो करके हमें देते थे, हम हमारे बड़े पदाधिकारी को देते थे, वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। इस प्रकार कारवा चलता रहता था। नेचुरोपैथी में आपने कैसे पेशेंट से डील किया है और उनकी आप किस तरह से हेल्प कर पाई है? नेचुरोपैथी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है INO दिल्ली का, उन्होंने मुझे लंदन भेजा था, मुझे मलेशिया भेजा था वहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। तो वहाँ जाने के बाद तो मुझे लगा कि हमारे भारत में जितनी जागरूकता प्रकृति के लिए होना चाहिए उससे ज़्यादा वहाँ दिखी मेरे को। और सुबह से जो चालू आते थे पेशेंट, यानी कैसा, सिर्फ मुझे उनसे एक कंसल्ट करना है। ओके। क्योंकि वहाँ ट्रीटमेंट देने का प्रश्न नहीं उठता। पर मैं यानी सैल्यूट कहूँगी कि वहाँ के हमारे जो हिंदू भारतीय है, इंडियंस है, वो इतने जागरूक और इतने वो थे कि नहीं, हमें मेडिसिन से ज़्यादा हमें प्रकृति के तरफ जाना है। अब आपने पूछा कि कौन कौन सी चीज़ों में उन्हें डील किया। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ओबेसिटी। ओके। स्किन के लिए रिलेटेड है, हेयर के लिए रिलेटेड है। अब नेचुरोपैथी में कैसा रहता है कि हम जब ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो एक चीज़ की नहीं होती है। वो ट्रीटमेंट दिया तो शायद वो 20 चीज़ों के लिए काम में आ जाता है। हमने अंदरूनी उसे क्लीन किया नेचर के द्वारा, पानी के द्वारा, स्टीम के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, डाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा, एनिमा के द्वारा और प्राणायाम के द्वारा। ये सब चीज़ें अपने आप जब अंदरूनी कचरा हटा देती है तो अपने आप शरीर स्वस्थ बनता है। तो नेचुरोपैथी का एक ही फंडा है, अंदर का कचरा निकाल दो, उसे कहीं रुकने की जगह मत दो और स्वस्थ रहो। तो आगे आपकी और किस मुकाम तक जाने की इच्छा है आपकी, और क्या इच्छाएं हैं इस फील्ड में लेके? वैसे बेटा 20 साल से तो आप काफी सेवा मुकाम में मैंने पार कर चुकी हूँ। तो अब इच्छा तो ये है कि जहाँ तक भगवान मुझे स्वस्थ रखता है वहाँ तक मैं और लोगों को भी स्वस्थ रखने का कहीं ना कहीं सिखाते रहूँ। कहीं ना कहीं मुझे संगठन ने इस लायक बनाया है कि महिलाओं में जागरूकता लाओ, तो मैं संगठन जो भी मुझे आदेश देता है मैं काम करती हूँ। तो ये थे कीर्तिदा अजमेरा।
आज जिन्होंने हमें नेचुरोपैथी के बारे में इतना सारा ज्ञान दिया है, जिसे अगर हम प्राप्त करना चाहे तो हम अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ भी बना सकते हैं। तो नवरात्रि के इस पर्व पर हमारे दर्शकों के लिए आप एक आखिरी शब्द अपने बताइए। नवरात्रि यानी यदि वो प्राकृतिक चिकित्सा के से जोड़ के मैं बताऊं तो नवरात्रि में व्रत रखते हैं, फलों पे रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली प्राकृतिक उपवास हो जाता है। तो चाहे हमारे धार्मिक कोई भी धार्मिक देखो, वो प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं, स्वस्थता से जुड़े हुए रहते हैं, और हर पर्व में एक संदेश रहता है कि आप फलों पे 9 दिन रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपके बीमारियां भी कम हो जाएगी, आपके जितने भी दोष है वो भी दूर हो जाते हैं। तो हमारा पर्व नवरात्रि का ऐसा है कि हमें स्वस्थ बनाता है, और साथ साथ में सांस्कृतिक प्रोग्राम के हिसाब से एक्सरसाइज भी गरबा में इतनी हो जाती है कि वो भी एक तरह से लोग एंजॉय भी करते हैं। अलग बात है कि आज की डेट में परमिशन नहीं मिलती नहीं मिल रही है। पर ये कहीं हमेशा थोड़ी रहने वाला है, एक सिचुएशन आई है वो चली जाएगी और सब कुछ ऊपर वाली की इच्छा से सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। नमस्कार।